भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज टुंडला उपचुनाव में प्रत्याशी को नामांकन के लिए आए थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की, कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ की आने के बाद राज्य अंदर शांति है, लोग 5 बजे 6 बजे घर में छुप जाते थे, सपा बसपा सरकार में आज घूम रहे हैं, लाइट आ रही है, हर प्रकार की व्यवस्था है, इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और कानून का राज्य है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रियंका और राहुल जी की क्या बात करें, प्रियंका राहुल जी की कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी गरीब और दलितों की सेवा कर रही है, हम राज्य को लूटने नहीं, हम गरीबों की सेवा करने आए हैं, हम अब गरीबों की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश में क्राइम चरम सीमा पर है, विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, आप कैसे देखें? क्राइम देखा क्या 15 साल के अंदर राज्य को लोगों ने लूटा, गुंडागर्दी किया, माननीय योगी जी के आने के बाद शाम राज्य के अंदर लोग 5 बजे 6 बजे घर में छिप जाते थे, सपा बसपा शासन, आज लोग घूम सकते हैं, रोडों पर घूम रहे हैं, लाइट आ रही है, हर प्रकार की व्यवस्था है, इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कानून का राज्य है। जिसको निशाना बना रहे हैं आपकी सरकार को, उन्होंने हाथरस वाले मुद्दे पर प्रियंका राहुल जी की क्या बात कर रहे हैं, प्रियंका राहुल जी क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सेवा करने, गरीबों का कल्याण करने, दलित शोषित वंचित सहारे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम राज्य को लूटने नहीं आए, हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं और गरीबों का सेवा करना ही मेरा व्रत है और ये मेरा धर्म है। माननीय योगी सरकार जी के नेतृत्व में सरकार के समर्थक हुए और संगठन के कार्यकर्ता गरीबों की सेवा करें। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है, कांग्रेस की क्या बात है, कांग्रेस है कहाँ, है क्या।